ऐसा क्यों है कि जब भी हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं या वुमेन राइट्स की बात करते हैं तो हम में से कुछ मर्द डिफेंसिव हो जाते हैं? लो जी, कर लो गल, एदे विच भी उन साड़ी गलती है। हर कोई वुमेन्स राइट के बारे बात कर रहा होता है, हमारे भी तो कुछ हकूक हैं। ये सब वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है, यहाँ की औरतों को तो बहुत इज्जत मिलती है। जस्ट लाइक दैट, मी टू के जमाने में हम मर्द थोड़े से डर से गए हैं। हमें लगता है कि औरत की बराबरी का मतलब है मर्द की कमजोरी। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि मैं यहाँ औरतों की आज़ादी की बात नहीं कर रहा, बल्कि हमारी आज़ादी की बात कर रहा हूँ, मतलब मर्दों की आज़ादी। चलिए हम शुरू से शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि दुनिया भर की औरतें आखिर किस चीज के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। दे वॉन्ट इक्वालिटी, विच इज़ द बिलीफ कि मर्द और औरत बराबर हैं। दैट इज़ उनको बराबर की इज्जत मिलनी चाहिए, उनको बराबर की चॉइसेस मिलनी चाहिए और औरतों को बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। वैसे तो इस कॉन्सेप्ट को फेमिनिज्म कहते हैं, बट आई नो कि हम लोग ये वर्ड सुन के थोड़े से डर जाते हैं, तो मैं इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगा। ओ भाई, ये सारी बातें ना सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं। औरत और मर्द में बड़ा डिफरेंस होता है, आप कैसी बातें कर रहे हो यार। हाँ आई एग्री, मर्द और औरत बायोलॉजिकली डिफरेंट है। For example, women can give birth and men can't. लेकिन इन सब differences के बावजूद हम सब बराबर हैं। All of us have different strengths and different weaknesses. लेकिन हम सबको अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जीने का, खुश रहने का और सेफ रहने का पूरा हक है। But unfortunately, औरतों को ये पूरा हक नहीं मिलता। एक international survey के मुताबिक पाकिस्तान is named as the sixth worst country for women. यहाँ पर honor killing और domestic violence जैसे crimes बहुत कॉमन है। यार ये सारी बातें तुम हमें क्यों बता रहे हो? हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? कभी आप मर्दों ने ये सोचा है कि पेट्रियार्की यानी कि पितरशाही निजाम के नुकसानात मर्दों पे क्या होते हैं? पितरशाही निजाम क्या होता है? I'm glad you asked. ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे इट इज मेन हु लार्जली होल्ड इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल पावर। और जहाँ तक औरतों का सवाल है, well, women are mostly excluded from it. एक सेकेंड, अगर सारी पावर मर्दों के पास है तो इसमें हमारा क्या नुकसान हुआ? क्यों दोस्तों? क्योंकि इस सिस्टम में मर्दों से कुछ और एक्सपेक्ट किया जाता है और औरतों से कुछ और, एंड दिस डिफरेंस इन एक्सपेक्टेशंस लिमिट्स आवर चॉइसेस, जिसका नुकसान हम मर्दों को भी होता है। अच्छा भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी तो कोई लिमिटेशंस नहीं। लेकिन क्या आप सबके सामने रो सकते हो? आपने कभी नोटिस किया है कि हम मर्द अपनी सारी जिंदगी अपनी मर्दानगी प्रूफ करने में लगा देते हैं? अगर मर्द का बच्चा है ना तो इन्हें आगे मत कर, तुझ में कितना दम है आके बता। मैदान में खुले शेर का सामना करोगे, तुम्हारे मर्द होने की गलतफहमी दूर हो जाएगी। अगर हम अपने इमोशंस दिखाएं, अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाएं या किसी ऐसे काम में इंटरेस्ट दिखाएं जो ट्रेडिशनली लड़कियां करती हैं, तो पूरी दुनिया हमें लड़की कह के हमारी मर्दानगी का लाइसेंस वापस ले लेती है। हमने मर्द को इंसान नहीं सलमान खान बना दिया है। और इन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस में हमने अपने आप को कैद कर दिया है। पेट्रियार्की में हमने अपने आप को लिमिट कर दिया है। यार तूने तो डरा ही दिया यार। इसमें डरने वाली क्या बात है, लेकिन चलो मैं आपका डर भी खत्म कर देता हूँ। इमेजिन करो कि आप सिपाही हो और मैं चोर। हम दोनों में से कैद कौन है? चोर। चोर एग्जैक्टली, चोर कैद है क्योंकि चोर सिपाही के बिना कहीं जा नहीं सकता। लेकिन इफ यू थिंक अबाउट इट, सिपाही भी तो चोर को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। जब हम एक दूसरे को आज़ाद करेंगे तो हम अपने आप को आज़ाद करेंगे। अब समझ आई? मैं एक मर्द हूँ और मैं एक फेमिनिस्ट हूँ क्योंकि मैं अपने आप को आज़ाद करना चाहता हूँ।